महाराष्ट्र छोड़ो मुंबई बंद करके दिखाओ, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र जला देंगे वाले बयान पर नीतीश रानी का चैलेंज। अजीत पवार ने पार्टी छोड़ी तो राष्ट्रवादी में जाएंगे संजय राउत, 10 जून से पहले प्रवेश की संभावना, नीतीश रानी के दावे से हड़कंप। रिक्शा चालकों के खिलाफ आरटीओ हुई सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 5 दिनों में 200 से अधिक ऑटो चालकों पर जुर्माना, बोरीवली और बांद्रा इलाके में कार्रवाई। गोरेगांव में ऑटो चालक ने बाइक सवार को चाकू दिखाकर धमकाया, रद्द हो सकता है लाइसेंस, ऑटो चालक की पहचान अब्दुल शेख के रूप में हुई। हनुमंत कथा के लिए मुंबई पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, बजरंग दल के बैन पर कहा सबको भारत में रहने का अधिकार। संजय राउत नहीं होने देते ठाकरे पवार की मुलाकात, उद्धव ठाकरे को अकेला करना चाहते हैं राउत, नीतीश रानी का हमला। भाईंदर में 16 साल के लड़के ने प्लास्टिक की बंदूक दिखाकर सोनार के दुकान में की लूट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भगवा पर दाग लगाने वालों को गाड़े बिना चुप नहीं बैठेंगे, उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। 53 वर्षीय महिला को नाला सुपारा स्टेशन से किया गया गिरफ्तार, लोकल ट्रेन में करती थी चोरी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर किया हमला, कहा पार्टी है नहीं, अपने आप को पार्टी प्रमुख कहते हैं। कोकण वासियों की इच्छा के विरुद्ध अगर रिफाइनरी बना तो संघर्ष होगा, पूरे महाराष्ट्र को बारसू में ले आएंगे, उद्धव ठाकरे की चेतावनी। भाजपा ने शिवसेना को खत्म करने के लिए नीच दाव खेला, गद्दारों को सर पर बिठाया, उद्धव ठाकरे का हमला। मीरा रोड से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, शराब के नशे में धुत रिक्शा चालक ने 8 से 9 लोगों को ठोका, घटना सीसीटीवी में कैद। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी ने रचा इतिहास, फिल्म ने शनिवार को 12.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अरानी इलेक्ट्रिसिटी को 17 लाख वोल्टेज का झटका, नकली स्लिप दिखाकर क्रेन से उठा ले गए हाई वोल्टेज वायर, 3 आरोपी को कस्तूरबा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई मेट्रो ने वक्त बचाया लेकिन खर्च बढ़ाया, मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम और घरों के किराए ने तोड़े रिकॉर्ड। बारिश के बाद शुरू होगा थाने बोरीवली टनल का काम, एमएमआरडीए ने पूरी की टेंडर प्रक्रिया। अजीत पवार चुप नहीं बैठेंगे, अब की बार दिवाली का इंतजार, फिर भूकंप की भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अंजलि दमानिया ने की। रिफाइनरी गुजरात ले जाओ, अच्छी परियोजनाएं महाराष्ट्र में लाओ, उद्धव ठाकरे ने सरकार पर बोला हमला। शरद पवार ने अजीत पवार की थपथपाई पीठ, कहा एनसीपी के लिए बहुत कुछ किया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, श्री कृष्ण मंदिर भी जाएंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा भांडी घिसने जा रहे हैं कर्नाटक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दी सलाह, बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकता है कस्टडी का फैसला। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे पंजाब के किसान, डाला डेरा, लंगर शुरू। 7 विकेट से जीती दिल्ली कैपिटल्स, रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को दी मात। शिरडी में हाई प्रोफाइल 6 रैकेट चलाने का बड़ा मामला आया सामने, 6 होटलों पर छापेमारी, 15 लड़कियां रेस्क्यू, 11 गिरफ्तार।